हिस्ट्री में इतने पैसे कभी नहीं मिले जितने मैंने उनको दिए, क्योंकि मेरा मकसद एक ही था कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं ये मोराल इनका अप होना चाहिए, जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहां कंपटीशन हो रहा है। अरे यार, वर्ल्ड कप खेलने आपकी टीम आई है और आप कह रहे हैं कि दुश्मन मुल्क जा रहे हैं, और पाकिस्तान से ही आप लोग कहते थे कि यार स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स मत कीजिए, और अगर आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं या क्रिकेट बोर्ड चलाते हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दसवीं भी पता नहीं पास है या नहीं है, ज़का अशरफ उसको आपने बनाया हुआ है चेयरमैन अपना, और वो कह रहा है दुश्मन मुल्क में जब जाके खेलती है। बंदे के मुंह पे अपनी ज़बान पे कंट्रोल अगर ना हो ना, कैसे आदमी को किसी जगह में छुपा के रखे। क्रिकेट से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी भी उनको भी कम से कम अपनी लल्लो अपनी जबान जो है ना वो काबू में रखनी चाहिए। भैया आप कोई ऐसी बात ना करें जो फिजा में जो है ना आग लगाने की कोशिश करें। शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो। स्पोर्ट जर्नलिज्म का जनाजा निकल दिया जिन सबने मिलके। मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान कोई अक्ल कोई शर्म हो तो इसको किक मार के बाहर फेंके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन इस बंदे ने तकरीर करते हुए बोला कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। अभी अभी स्टेटमेंट आई है, अभी अभी वीडियो आई है। कल जब पाकिस्तान टीम इंडिया में लैंड की थी तो देखा नहीं था कि इंडिया ने किस तरह पाकिस्तान टीम का वेलकम किया कंट्री के बच्चों। तो ये बताएं, does it make any sense when your team was given a resounding welcome, everybody there at the airport, at the hotel, security वाले आगे पीछे लोग प्यार, बाबर ट्वीट कर रहा है, फकर ट्वीट कर रहा है, रिजवान ट्वीट कर रहा है, शाहीन शुक्रिया अदा कर रहा है, यानी everybody, every team member who's in the India, आपके पैराशूटर्स भी जो साथ में गए हैं इंडिया में वो आपके शुक्रिया, और आपका चेयरमैन ये मैसेज दे रहे हैं, इससे आप दोनों मुल्कों की क्रिकेट बहाल करेंगे। ये क्या जाएगा, एक आम इंडियन को क्या मैसेज जाएगा जब ये कटिंग लगाएंगे ज़का अशरफ के एक दुश्मन मुल्क में, और मैंने तारीख में सबसे ज्यादा पैसे दिए, तेरे बाप के पैसे हैं क्या ये ज़का अशरफ की शुगर मिल के पैसे हैं जो तूने क्रिकेट वाले प्लेयर्स को दिए? नहीं, डज इट मेक, अब वो उठे नजम सेठी या यहां का ये ट्विटर किंग, मैंने, व्हाट इज मैंने, ये मैंने निकल दी, ये मैंने क्या होता है, तुम्हारे पा का पैसा है, अबे प्लेयर का पैसा है सालो, उन्हीं के पैसे उन्हीं को देते हो, भौंकते हो आगे से। मैं समझता हूं हुकूमत पाकिस्तान कोई अक्ल कोई शर्म हो तो इसको किक मार के बाहर फेंके। एक एड से स्टेज पे जब वहां वेलकम हो रहा है, जहाज उड़ रहा है, जहाज बैठ रहा है, जहाज लेट रहा है, जहाज खा रहा है, जहाज पी रहा है, अब यहां है, अब यहां है, अब यहां है, अब मुंबई की फिजाओं में है, अब हैदराबाद के एयरपोर्ट पे है, अब टीम उतर गई है, अब लोग आए, एक झंडा नहीं दिया, एक आ रहा है फलाना नहीं तुम्हें डंडा दे दे, फिर उसको लेके खेलते रहो। यार खुदा के वास्ते अगर कोई इंसानियत मर गई है कुछ लोगों में, उन्हें समझाएं, ऐसी बकवास अपना मुंह बंद रखते हैं, इंजॉय, आपको यकीन नहीं हो रहा एक्चुअली भाई, बाबर आजम एक ब्रांड है, आज उन लोगों को मर जाना चाहिए कल बल्कि जो बाबर आजम के हवाले से जान, ये है बाबर आजम आपकी ब्रांड। देखो हमें उसकी कप्तानी से इतराज है, उसकी टैक्टिक से इतराज है, उसकी बैटिंग से, सिमिलर बातें लिख रहे हैं हर्षवर्धन साहब, कहें जी आप दोनों को गुड आफ्टरनून। ज़का अशरफ का कमेंट, दुश्मन मुल्क बोला है जी इंडिया को डजंट सूट चेयरमैन, और देवो भावा ऐसा, बहरहाल जी आपने जो बात की है अभी मोहसिन साहब उसी भी जिक्र कर रहे थे, तो ये सूट नहीं करता। एक आम कोई क्रिकेट फैन जो इधर उधर से ट्विटर पे बैठे होते हैं, छोटे बच्चे जिनको इतनी अकल शऊर नहीं होती, वो इस तरह की बात करें तो चलो समझ में भी आता कि उनको अकल शऊर ही नहीं है, कोई बात नहीं, पता नहीं है क्या बात कहनी क्या नहीं कहनी, वो इस तरह की बात करें तो किसी हद तक समझ में बात आती है, लेकिन एक इंसान के जो अब जिसके हवाले पीसीबी की भाग दौड़ दी गई है और वो उसका ऑल इन ऑन बनाया गया, वो इस तरह की एक स्टूपिड बात करेगा तो फिर जाहिर है कि बहुत ही अफसोसनाक बात है ये। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने कहा कि हम खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे इसलिए बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि वो दुश्मन मुल्क में खेलने जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है दोस्तों कि पाकिस्तानी टीम ने वर्ल्ड कप खेलने से बायकॉट कर दिया था अगर उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं बढ़ाए जाते। और ज़का अशरफ का ये बयान यह दिखाता है कि पाकिस्तान की राजनीति इंडिया को गाली देकर ही चलती है। दोस्तों पीसीबी के चेयरमैन का यह बात कहना उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये कहते हैं क्रिकेट को राजनीति से मिक्स ना करें, और ये बातें पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ज़्यादा आती है। अभी वहीं से एक खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी टीम को भारत में बीफ यानी गाय का मांस खाने को नहीं दिया जा रहा है। हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है गाय के मांस को देना, तो हम नहीं देते। अब तुम्हारे यहाँ भी तो शराब पीना हराम है, तो कोई भी इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया या फिर दूसरे देश के लोग हो गए जो आपके यहाँ आते हैं, तो आप भी उनको शराब नहीं देते,
तो ये सब बातें हैं जो पाकिस्तानी मीडिया फैला रही है, और जका अशरफ की इन बातों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने खुद भी उनको ट्रोल किया है और इंडियन मीडिया ने भी ये इन बातों को काफ़ी हाईलाइट किया है। दोस्तों इस वीडियो में पूरा बने रही है और देखिए किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और भारतीय मीडिया ने जका अशरफ की इस बातों को किस तरह से लिया है और उनको ट्रोल भी किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू। तो वो ये कह रहे हैं कि प्लेयरों को खुश रखना था, क्यों? क्योंकि वो दुश्मन मुल्क जा रहे हैं। अरे यार, वर्ल्ड कप खेलने आपकी टीम आई है और आप कह रहे हैं कि दुश्मन मुल्क जा रहे हैं, और पाकिस्तान से ही आप लोग कहते थे कि यार स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स मत कीजिए, और अगर आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं या क्रिकेट बोर्ड चलाते हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जाका अशरफ साहब ने अपने आप को कंडक्ट अच्छा किया था। आप देखें जब वो बने उसके बाद से बीसीसीआई के साथ, एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ उनके ताल्लुकात ठीक थे, हाइब्रिड मॉडल भी हुआ, श्रीलंका में भी हुआ, लोगों ने बहुत कुछ बोला लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। टूर्नामेंट एशिया कप का खत्म हुआ, उन्होंने तारीफ ही की थी, लेकिन ये स्टेटमेंट, और वो भी वर्ल्ड कप की ईव पे, जब आपकी टीम हैदराबाद पहुंच चुकी है, आप ये कह रहे हैं कि इंडिया एक दुश्मन मुल्क है, तो मुझे लगता है कि शायद इससे ना शायद ऐसा ना हो कि जो इंडियन फैंस उनको वेलकम कर रहे थे वो खटास आ जाए। मैंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, मैंने कहा नो बॉल मिस्टर चेयरमैन, योर प्लेयर्स वर गिवन अ वार्म रिसेप्शन बाय द इंडियंस एंड यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इट सीम्स ही हिमसेल्फ, यानी कि जाका अशरफ इज अ दुश्मन ऑफ हिज ओन पाकिस्तान टीम। मैंने कहा यार ये तो आपने पैर कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ी पर पैर रख दिया, वो देखिए। अब उसके बाद सरप्राइजिंगली बहुत से पाकिस्तानी जो फैंस हैं उन्होंने उस ट्वीट पर जवाब दिया, जैसे फैसी मलिक कह रहे हैं कि आई एग्री विद यू, इज रॉन्ग। एक अली सैट है, वो कह रहे हैं कि जी पड़ोसी मुल्क की बजाय उन्होंने दुश्मन मुल्क बोल दिया, वो गलत है। इनके गले अच्छा, ऐसे वक्त में ये स्टेटमेंट, तो दो बातें लग रही हैं मुझे क्रिकेट की सेंस से, कि यहाँ तो जका साहब की भी कोई जाने की तो नवीद नहीं सुनाती गई है। जाके क्यों गाना चाह रहे हो भैया, जाओ ना खामोशी से यार। वो कौन आदमी था जो 18-20 दिन ज्यादा से ज्यादा हुए होंगे, जो जो यूं कर रहा था यार, राजीव शुक्ला माजरत के साथ हम कभी भी पर्सनैलिटीज पर बात नहीं करते, लेकिन तजाद नजर आ रही है। यानी कि जका साहब के दिल में उस वक्त भी चोर था जब उन्होंने हाथ पकड़ के उठाए होंगे, ये बात या तो अगर उनके मुंह से निकल गई है, मुंह से निकल गई है उनके, ठीक है मुझे याद है, ऐसी बातें नहीं निकलती भाई, बहुत जब वो आए थे वाइट पर्सनैलिटी है, सूझबूझ से बोलते हैं, मुंह से नहीं निकली उनके। तो फिर किसका एजेंडा चलाया, किसका एजेंडा है, क्यों ये बात करी है उन्होंने, ऐसा क्या हुआ, क्या आपको बाबर आजम से कोई नाराजगी है आपकी, ऐसा लग रहा है आपने बाबर आजम के अगेंस्ट ये बात करी है। एक तो प्लेयर के पैसे, एक तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अबरार नहीं है, नुमान नहीं है, ये बातें भी अभी आप पे आएंगी कि नुमान अली जिसने 7 आउट करके टेस्ट मैच में फना फिल्ला कराया, आपने उस गरीब को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की किसी कैटेगरी में नहीं रखा। अच्छा ये हादसा तीनों सिंध के लड़कों के साथ हुआ है। अबे ये जाते हुए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गए, हमें पता है कि ये सोच के इन्होंने कर दिया कि वर्ल्ड कप के बाद तो हो सकता है ये भी ना मिल रहा हो, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बोला भाई चलती गाड़ी के अंदर सवार हो जाओ, जो मिल रहा है आने दो। कल से वहां से प्यार आ रहा है पब्लिक का, फैंस का, यार खुल के बोल रहे हैं। साहब को इस बात की माफी मांग लेनी चाहिए, माफी मैं मेरा मुतालबा है कि इस स्टेट आप पे सूट नहीं करता। देखिए कोई पॉलिटिकल आदमी हो, कोई पॉलिटिकल हो, कोई और दूसरे तीसरे दायरे का आदमी हो, तो वहां तक तो चलो समझ में आ रही है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भाई उनकी आपका ग्राउंड क्रिकेट है यार, आप अपने ग्राउंड में रहना, आप ग्राउंड के बाहर क्यों जाना चाह रहे हैं। पदरे बनाई गई इतना ज्यादा, और आपने कभी पाकिस्तान टीम का इतना इस्तकबाल नहीं किया जितना उन्होंने कर दिया, तो फिर यह क्यों बोला कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। अब मुझे इस बात का आंसर दो कि आप बताओ अब आग किसने जलाई है, इंडिया ने जलाई है या पाकिस्तान ने जलाई है। जका अशरफ यह भी तो कह सकता था ना कि पाकिस्तान टीम इंडिया गई है तो जी हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा कर दिए हैं तो अच्छी बात है। प्लेयर कहते हैं जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा किए हैं, जब टीम दुश्मन मुल्क में गई है और दुश्मन क्या दिया फिर उसको, जब जब प्यार का हाथ बढ़ता है, जब जब तलक तलक सही होते हैं, एक पैन प्रकी करने अंदर आ जाता है हमेशा, जब जब हालात बेहतर होते हैं, जब जब चीजें सॉल्व होने लगती हैं, पैन प्रकी कर देते हो आप लोग, ये पाकिस्तानी बाज नहीं आते। ट्विटर के ऊपर जो कल का वो कहता है कि मैंने देखी हैं चीजें, अब वो फिर नफरत में फैल गई है। बात तो ठीक है ना, नहीं इंडिया ने टीम का वैल, अभी उन्होंने वर्ल्ड कप खेलना उधर पूरे का पूरा, पहले ही प्रताप की जड़ा अपने फैला दिया उधर, अब वो क्या करेंगे बताओ मुझे। लगा के चार रोटियां अपनी सेक भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा।
नहीं, और फिर जाहिर सी बात है नफरतें ही पनपेगी आगे जब आप नफरतों की आग लगा के जो है वो हीट ऑफ द मोमेंट होता है ना, न्यूट्रल बात कर रहा हूं, कोई ऐसा होता है कि इंडिया पाकिस्तान में कोई मसाइल चल रहा है, कोई पॉलिटिकल इशू आ गया, कोई फला आ गया, उसमें ना मेरे और आप जैसे लोग भी ना कहीं फिसल जाते हैं, ठीक वो समा जाता है। अभी तो यार एक अच्छी फिजा है, एक अच्छा माहौल है, एक अच्छी हर चीज चल रही है। आप जेशा को वहां इन्विटेशन पे इन्विटेशन दे रहे हो, अभी ये सारी बात कर रहे हो और उसके ऊपर आप ये कमेंट दा कर रहे हो, फिर मेरे ख्याल से जका साहब को भी इंटेंसिटी पता चल गई होगी कि आई एम ठीक है, मैं इलेक्टेड होके चेयरमैन नहीं आया, लेकिन मैं बैठा हुआ तो चेयरमैन की पोजीशन पे ही हूँ ना, लोग मुझे ऐसा चेयरमैन नहीं जानते, कोई ये नहीं जानता मैं मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन हूँ, सब उनको एज अ फेस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही जानते हैं। yes. तो यहाँ जो भी नेगेटिविटी, तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है भाई साहब, अगर आप कुछ भला नहीं कर सकते पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, कोई पॉजिटिविटी नहीं, बुरा भी नहीं करें, मुंह बंद रखें, तो बुरा भी ना करें, क्योंकि बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है, इज्जत का माहौल चल रहा है हमारी टीम को, जो हमें पाकिस्तान बैठ के फखर महसूस हो रहा है यार, हमारी टीम को इज्जत मिल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है इन चीजों के लिए। सो उसकी जो इज्जत मिल रही है उसको हम शुक्रिया से अगर थैंक यू मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, हम शुक्रिया नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट ये वाली गंद भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें, और जो है मतलब बेहतर तरीके से अपने अल्फाज का चुनाव करें और अपने अल्फाज को देखभाल के इस्तेमाल करें। ये मैसेज जो है ना, ये अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए है, बीट कोई पाकिस्तान से ये बात कर रहा है, बीट कोई इंडिया से बात कर रहा है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप सब लोगों के लिए एक सजेशन है, जो नेगेटिविटी आप लोगों को ट्विटर पे दिखती है, प्लीज स्टॉप अप्रिशिएटिंग दैट, अप्रिशिएटिंग नहीं, उस नेगेटिविटी को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दें।